नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में आपके साथ जो बात करने जा रहे हैं, ये आपका अपना जो मंथली राशिफल है नवंबर 2022 का, उसके विषय में बात करेंगे। और अभी अभी इसी कार्यक्रम में जो बात होगी, सिर्फ और सिर्फ कुंभ लग्न राशि के जातकों के विषय में ही बात होगी। और आपको बताएंगे कि आप कुंभ लग्न राशि के जो जातक हैं, नवंबर 2022 में अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग क्षेत्रों में आपके लिए किस प्रकार के परिणाम आने वाले हैं या किस प्रकार के परिणामों का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसके विषय में बात करेंगे। और साथियों, जैसा आप जानते हैं कि जो भी हमारे जीवन में शुभ और अशुभ परिणाम हमको प्राप्त होते हैं, वे सभी इन ग्रहों के ही आधार पर होते हैं। और ग्रहों की जो स्थिति होती है गोचर में, आसमान में, उसी के आधार पर हमको परिणामों की प्राप्ति होती है, अच्छे और बुरे। तो इसीलिए आइए सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले कि मैं आपके विषय में बात करूं, आपके राशिफल के विषय में बात करूं, आइए सबसे पहले संक्षेप में जानकारी आपको देना चाहेंगे ग्रहों की स्थिति के विषय में, कि इस नवंबर 2022 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में रहने वाला है, कौन सा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा, कब करेगा, और कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बनाएगा, उन्हीं के हाथ सबों के आधार पर, सभी ग्रहों के आधार पर आपको रिजल्ट्स जो मिलने वाले हैं, अच्छे हों या बुरे, उनकी प्राप्ति आपको होगी। लेकिन साथियों, आपको निराश नहीं होना है। अगर कहीं अशुभ रिजल्ट्स की बात हमारे द्वारा की जाती है ग्रहों के संकेत के आधार पर, तो उसमें आप परेशान ना हो, निराश ना हो। क्यों? क्योंकि अंत में इस राशिफल के हम आपको बहुत ही सरल, सटीक और आसान उपाय देने वाले हैं। अगर आपने उनको किया तो निश्चित रूप से ये मान के चलें आप कि आपका जो भी परेशानी किसी क्षेत्र में है वो भी दूर होगा। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप जैसा कि मेरे पीछे चार्ट देख पा रहे हैं, ये कुंभ लग्न राशि के ही जातकों का चार्ट है। और साथियों, ये लग्न राशि पर आधारित है, ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि सिर्फ कुंभ लग्न राशि के जातकों की ही बात होगी, उन्हीं के विषय में बात करेंगे कि आपका मंथली जो मंथली राशिफल है ये नवंबर 2022, ये कैसा रहने वाला है आपके लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए, ये सात नंबर जो है तुला राशि होती है, जहाँ पर सात नंबर लिखा है चार्ट में, और तुला राशि के लॉर्ड शुक्र होते हैं, और शुक्र भी वहीं पर बैठे हैं उसी घर में, अपनी उसी राशि में, अपने घर में बैठे हैं। साथ में तीन ग्रह और भी आप देख पा रहे हैं, सूर्य हैं, बुध हैं और केतु हैं। तो ये चार ग्रहों का योग बना हुआ है तुला राशि में साथियों। लेकिन बुध और शुक्र ये अस्त हैं और मार्गी हैं, इनकी स्थिति ऐसी है, और ये अस्त और मार्गी अवस्था में ही यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले यहाँ से 11 नवंबर को शुक्र निकलेंगे अस्त और मार्गी अवस्था में अपनी राशि से, और जाएंगे वृश्चिक राशि में, जो उनकी सम राशि है। वृश्चिक राशि कहाँ पर है? जहाँ पर आठ नंबर लिखा है, यानी कि आपके 10th हाउस में जाएंगे 11 नवंबर को शुक्र अस्त और मार्गी अवस्था में। इसके बाद और पूरे महीने वहीं रहेंगे। इसके बाद फिर बुध ग्रह जो हैं वो भी अस्त और मार्गी अवस्था में 13 नवंबर को अपनी मित्र राशि तुला से निकल करके राशि परिवर्तन करते हुए वे भी अपनी समराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और वहाँ जाकर के शुक्र के साथ संबंध बनाएंगे और माह के अंत तक इसी प्रकार बने रहेंगे। और फिर 16 नवंबर को अंत में सूर्य भी जो हैं अपना राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि सूर्य जो हैं अभी अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य की स्थिति बहुत कमजोर है, खराब है, अशुभ है। तो सूर्य जो हैं ये भी 16 नवंबर को अपनी नीच राशि से निकलेंगे तुला राशि से और अपनी मित्र राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश, क्योंकि मित्र राशि है इनकी वृश्चिक। वृश्चिक राशि के स्वामी लॉर्ड जो हैं वो मंगल हैं और मंगल सूर्य के परम मित्र हैं। तो सूर्य देव की स्थिति एकदम बहुत अच्छी होने वाली है 16 नवंबर के उपरांत, और ये पूरे महीने इसी राशि में, वृश्चिक राशि में दशम भाव में बने रहेंगे। तो इस प्रकार तीन ग्रहों का ये योग बनेगा वृश्चिक राशि में 10th हाउस में दशम भाव में, और ये पूरे महीने बना रहेगा। अंत में बात करते हैं केतु की। इन चार ग्रहों में केतु रहते हैं, तो केतु जो हैं जहाँ आप देख रहे हैं ये यहीं पर रहेंगे, इनकी कोई स्थिति में चेंजेज नहीं हो रहा है, ये अपनी मित्र राशि तुला में बने रहेंगे पूरे महीने इसी प्रकार वक्री स्थिति में। आगे बात करेंगे शनिदेव की, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है वहाँ शनिदेव बैठे हुए हैं, और 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि, और ये घर जो है 12th हाउस कहलाता है, द्वादश भाव। और शनि अपनी राशि, अपने ही घर में मार्गी और उदय अवस्था में द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे पूरे महीने। इसी प्रकार
आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति के विषय में। देखिए गुरु बृहस्पति जो है जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वहाँ बैठे देख रहे हैं आप उनको, और 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि। तो मीन राशि के स्वामी स्वयं गुरु बृहस्पति हैं, तो ये कहा जा सकता है कि बृहस्पति जो हैं अपनी राशि अपने ही भाव में अपने ही घर में बने हुए हैं, लेकिन ये वक्री स्थिति में है और उदय अवस्था में है, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं। लेकिन 23 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे, तो कह सकते हैं हम कि 23 नवंबर से इनकी स्थिति में अच्छा सुधार होने वाला है गुरु बृहस्पति। लेकिन इनका राशि परिवर्तन नहीं होगा इस महीने, ये यहीं बने रहेंगे। आगे राहु की बात करेंगे। राहु जहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर आप बैठा देख रहे हैं, एक नंबर का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि के लॉर्ड हैं मंगल, और मंगल राहु के परम शत्रु हैं, तो कहा जा सकता है कि राहु मेष राशि में अपनी शत्रु राशि में अपने शत्रु के घर में मंगल के घर में बने हुए हैं और वक्री स्थिति में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। ये थर्ड हाउस कहलाता है साथियों, तृतीय भाव जहां राहु विराजमान है, तो इनकी स्थिति ऐसी ही रहेगी पूरे महीने। अब अंत में बात करेंगे मंगल ग्रह के विषय में। जहां पर 3 नंबर लिखा देख रहे हैं आप वहां मंगल बैठे हुए हैं, 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं, और बुध को मंगल अपना शत्रु मानते हैं, तो कहा जा सकता है कि मंगल अपनी शत्रु राशि शत्रु के घर में पंचम भाव फिफ्थ हाउस में विराजमान है। लेकिन ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं साथियों, वक्री स्थिति में है और उदय अवस्था में है, और ये वक्री और उदय अवस्था में ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे 13 नवंबर को, और यहाँ से ये निकल करके क्योंकि उल्टी चाल चल रहे हैं तो ये कहाँ जाएंगे, वृषभ राशि में जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, बजाय आगे जाने के पीछे जाएंगे क्योंकि उल्टी चाल है इनकी। वृषभ राशि में जाएंगे यानी जहाँ पर टॉरस साइन है 2 नंबर, और फोर्थ हाउस है वो, तो ये फोर्थ हाउस में चले जाएंगे 13 नंबर को, और माह के अंत तक फिर ये वक्री और उदय अवस्था में यहीं पर बने रहेंगे चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में। और शुक्र जो है साथियों, मैंने जैसा कहा था आरंभ में कि शुक्र अपना राशि परिवर्तन 11 नवंबर को करेंगे और वो वृश्चिक राशि में जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे तो जरूर अस्त अवस्था में और मार्गी अवस्था में, लेकिन ये वहाँ पर 25 नवंबर को पश्चिम में उदय हो जाएंगे, ये एक अच्छी बात होगी। तो 25 तारीख से इनकी स्थिति में भी सुधार आएगा शुक्र की। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति जिसकी अभी हमने आपसे जानकारी दी है, चर्चा की है, और इन्हीं ग्रहों के आधार पर अच्छे और बुरे परिणामों की प्राप्ति आप कुंभ लग्न राशि के जातकों को होगी। तो सबसे पहले तो आपको यही बता दें कुंभ राशि के जो जातक हैं कि शनि की 7.5 के आप प्रभाव में हैं प्रिय साथियों, और अब इन प्लैनेट्स का इन ग्रहों का किस प्रकार का अच्छा और बुरा परिणाम आपके अलग अलग क्षेत्रों में मिलने वाला है अब हम वो बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बताएंगे आपको आपके करियर यानी कि प्रोफेशन के विषय में। साथियों आपसे बताना चाहते हैं कि अभी 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक का जो समय है, यूँ तो देखिए राजयोग भी बने हुए हैं, चीज़ें अच्छी भी रहेंगी कुछ हद तक, ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से ही परेशान हो जाएंगे, हर चीज़ आपके अगेंस्ट में चली जाएगी, प्रोफेशन की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। कुछ नेगेटिविटी भी मिलेगी देखने को, कुछ पॉजिटिविटी भी मिलेगी, थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी भी आती रहेगी क्योंकि राजयोग भी बना हुआ है। लेकिन साथ ही मान सम्मान का जरूर ध्यान रखिएगा, कोई ऐसी बात किसी को ना बोल दें, ऐसा कुछ ना कह दें, ऐसा कोई बिहेव ना कर दें किसी के साथ जिसके कारण आपको नीचा देखना पड़ जाए या आपको लज्जित होना पड़ जाए, ऐसा कोई कार्य ना करें 16 नवंबर तक तो विशेष रूप से। हाँ 16 नवंबर के बाद से परिस्थितियां बदल रही हैं साथियों, अच्छी बदल रही हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ेंगे 16 नवंबर से माह के अंत के बीच में। बहुत अच्छा पीरियड है ये आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपके रोजगार और व्यापार के लिए तरक्की वाला समय है, मैं ये कहूँगा 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच का। रोजगार में है तो कोई बड़ी पदवी आपको मिल सकती है या फिर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और ये ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आप कार्य रहते हैं वहीं से ही मिलेगा, कहीं दूर से भी मिल सकता है, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा 25 नवंबर के बाद से, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने जा रहा है और बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं प्रिय साथियों। मैं तो कहता हूँ आप कुंभ लग्न राशि के जो जातक हैं 16 नवंबर के बाद बस देखेंगे कि अचानक आपका कोई प्रमोशन हो गया, कोई अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल गई, या कहीं बाहर से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, बाहर का मतलब जहाँ पर हैं वहाँ से कहीं दूर से दूसरी जगह से, तो ये स्थिति रहेगी। बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं 16 नवंबर के बाद से अपने कार्य क्षेत्र में। व्यापार करते हैं तो व्यापार में वृद्धि,
रोजगार करते हैं तो वहां पर प्रमोशन, मान सम्मान में वृद्धि। लेकिन 16 तक सावधान रहिएगा, बहुत सावधान, कोई भी चूक या गलती आपसे मिस्टेक ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बात करते समय 16 नवंबर तक बहुत ध्यान रखिएगा, बिहेवियर पर भी अपने पूरा ध्यान रखिए, फोकस रखिए। 16 नवंबर के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुलने वाले हैं आपके सफलता के लिए। आगे बात करेंगे आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन की स्थिति तो देखिए मैं आपको बता दूं, इनकम तो होगी आपको, इनकम होगी, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना सामान्य मात्रा में, सामान्य या मध्यम, सामान्य से मध्यम के बीच में होती रहेगी। ये इसमें सुधार कब से आएगा, इसमें सुधार आएगा 23 नवंबर के बाद से। 23 नवंबर के बाद आपकी इनकम भी बढ़ेगी, 23 नवंबर के बाद, और इनकम बढ़ने के साथ साथ आपकी सेविंग्स भी आप कर पाएंगे, अच्छी सेविंग्स कर पाएंगे, पैसा भी कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। हालांकि उसमें थोड़ा सा समय भी लग सकता है, थोड़ी आपको भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है थोड़ी सी, लेकिन काम आपके अच्छे बनेंगे इन्वेस्टमेंट से संबंधित या सेविंग से संबंधित। अब बात करेंगे प्रेम संबंधों की और वैवाहिक संबंधों की। साथियों मैं आपसे बता दूं, देखिए आपके जो अपने प्रेम संबंध हैं वो भी बहुत अच्छे रहेंगे, काफ़ी हद तक ठीक रहेंगे, मतलब सामान्य से मध्यम की ओर प्रोग्रेस होगी आपके संबंधों में, प्रेम संबंध या लिव इन रिलेशन में अगर आप। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि विवाह का भी बड़ा सुंदर योग बन रहा है और ये बना रहेगा पूरे महीने। बीच में सिर्फ 3 दिन के लिए, 13 से लेकर 16 तक के बीच में ये योग नहीं है, बाकी तो इस 3 दिन को छोड़ दें तो पूरे महीने ये योग है विवाह का। अगर आपकी कोई प्लानिंग है कि हमें विवाह भी करना है तो बहुत अच्छा योग है, इसका लाभ लें इस समय का। कोई भी आप अपना जैसे कि रिंग सेरेमनी हो गया, रोक आदि हो गया, ये तो कर ही सकते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि वैवाहिक सुख कैसे रहेंगे। देखिए वैवाहिक सुख जो हैं साथियों, इनमें कमी है वैवाहिक सुखों में, कब तक, 1 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में। और कुछ बिगाड़ खाता भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा ही टेंशन बढ़ सकती है, लेकिन 16 नवंबर के बाद चीज़ों में बहुत अच्छी तरीके से चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे और आपके वैवाहिक सुखों में भी वृद्धि होगी 16 नवंबर से लेकर माह के अंत तक। बात कर लेते हैं पारिवारिक सुख की। देखिए पारिवारिक सुख जो है या पारिवारिक संबंध, इनमें थोड़ी बहुत कमी का एहसास तो आपको पूरे महीने ही लगभग लगभग रहेगा, लेकिन हाँ जो घर के बड़े हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रहेगी आपको मिलने में, उनका बराबर पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। और यही शायद कारण भी है कि उनका आशीर्वाद होने की वजह से आप बाकी परिजनों की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन ये भी गलत है। अगर आपके ऊपर आपके सबसे बड़े हैं, उनका हाथ है सर पे, तो फिर भी होने के बावजूद भी अपने जो दूसरे परिजन हैं या सदस्य हैं परिवार के, उनके साथ भी सामंजस्य होना आवश्यक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए अभी जो है हालात जो बने हुए हैं 1 तारीख से लेकर 13 तक जो मतलब स्थिति रहेगी साथियों, ये तो परिश्रम वाली स्थिति है कि परिश्रम करते रहेंगे, रिजल्ट आते रहेंगे अच्छे। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 13 तारीख से लेकर माह के अंत के बीच में जो ये समय होगा, ये जितनी मेहनत आप करेंगे उसके अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी 13 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में। ये मैं छात्रों से, स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, तो ध्यान रखिए, सावधान रहिए। आगे बात करते हैं संतान को लेकर। संतान संबंधित जितने भी परिणाम हैं, रिजल्ट्स हैं माता पिता को, 1 तारीख से लेकर महीने की नवंबर की 16 तारीख तक का जो समय है, माह के मध्य तक का बीच का जो समय है, इसमें तो अधिक परिश्रम के उपरांत ही परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी संतान को। लेकिन उसके बाद मेहनत अधिक करनी पड़ेगी महामध्य से माह के अंत के बीच में, लेकिन परिणाम आपके बहुत नीचे रहेंगे। लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही ग्रहों की स्थिति में बदलाव आएगा परिणाम भी चेंज होंगे, रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। तो आगे बात करते हैं साथियों, अब ये तो हमने छात्रों की बात कर ली, अब आगे बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। संतान की भी बात कर ली हमने आपसे,
छात्रों को लेकर के भी कर ली, अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर। प्रिय साथियों, बताना चाहते हैं कि जो आपका स्वास्थ्य यूँ तो पूरे महीने ही मिला जुला रहेगा, कुछ ना कुछ छुटमुट शारीरिक व्याधियाँ परेशान आपको करती रहेंगी पूरे महीने। बीच बीच में कभी आपको लगेगा कि थोड़ा जल्दी आराम हो गया, अच्छा आराम हो गया, या कभी आपको ये भी लगेगा कि भाई तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ रही है। लेकिन हाँ, नाजुक हेल्थ तो रहेगी कुंभ लग्न राशि के जातकों की पूरे महीने। अब उपाय क्या किए जाएं इन चीज़ों से छुटकारा मिल सके परेशानियों से, तो उपाय यही करें, चाहे वो पति पत्नी हैं या कोई भी हैं आप कुंभ लग्न राशि के जातक, सबसे पहले सूर्यदेव को जल जरूर दें प्रातःकाल। तांबे के कलश में एक चुटकी उसमें रोली या कुमकुम जो है वो मिला सकते हैं उसके, और वहीं खड़े खड़े आप सूर्यदेव के चार शब्दों का मंत्र का उच्चारण करें 108 बार कम से कम। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र हो गया, ये उपचार हो, ये एक फर्स्ट रेमेडी हुई सूर्यदेव की। सेकंड रेमेडी जो आपने करनी है, इसमें छात्रों के लिए भी बहुत, अगर ये आप करते हैं स्टूडेंट्स तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, यूँ तो सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सभी जातकों के लिए। बुध के दिन एक तो गणपति जी की पूजा जरूर करें, और इतना ही नहीं साथियों, गणपति जी के श्री चरणों में मोतीचूर के लड्डू, नुक्ती के लड्डू पान के पत्ते पर रख करके, जो खाने वाला पान चबाने वाला पान होता है उस पर रख करके आएँ, और वहीं बैठ करके गणपति जी की आराधना करें, पूजा करें, आरती करें, और तब वापस आएँ वहाँ से। और इतना करने के साथ साथ जब वहाँ से आप निकलें मंदिर से, तो गौ माता को हरा चारा भी दिखलाते हुए आ जाएं, तब जाकर के आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति अपनी एजुकेशन से संबंधित हो पाएगी, या जो साथी कार्यरत हैं कहीं पर उनको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। और सुख सुविधाओं का तो लाभ आपको हमने कहा प्राप्त होगा, और वो भी महामध्य से माह के अंत के बीच में। और अगर आप चाहते हैं कि और सुख सुविधाओं का लाभ आप ले सकें और अच्छी ज़्यादा, तो फिर आप शुक्र को मजबूत करें। शुक्र को कैसे मजबूत करेंगे? माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें, तो माँ लक्ष्मी जी के लिए लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं आप, लक्ष्मी सूक्तम, और माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों के जाप कर सकते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये हैं वो छोटे छोटे से सरल उपाय, करेंगे आप तो निश्चित रूप से आपकी परेशानियां से जो है वो दूर होंगी, परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी साथियों। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप कुंभ लग्न राशि के जातकों का मंथली राशिफल नवंबर 2022 का। आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनने हैं या बनेंगे, उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएं, तो फिर आप इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।